हेलो एवरीवन, दिस इज 19th लेक्चर ऑन जीएसटी। ये 19वां लेक्चर है जीएसटी पे। इस लेक्चर में हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक सर्विसेज पढ़ेंगे, यानी कि विशिष्ट सेवाएं जो हैं होती हैं कुछ, उनकी आपूर्ति का स्थान हम निर्धारण कैसे करेंगे वो जानेंगे। इन विशिष्ट सेवाओं में कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया है, जैसे रेस्टोरेंट है, कैटरिंग की सर्विसेस है, ब्यूटी ट्रीटमेंट का सर्विसेस है, ट्रेनिंग है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, इस तरफ को हम जानेंगे। देखिए यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई या स्पेसिफिक सर्विसेज, विशिष्ट सेवाओं के आपूर्ति के स्थान का निर्धारण। इस वी विल डिस्कस प्लेस ऑफ सप्लाई स्पेसिफिक सर्विस दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज सच एज रेस्टोरेंट, ट्रेनिंग, इवेंट, और फिर उसके बाद एग्जाम्पल वगैरह से समझेंगे इसको। यानी परफॉर्मेंस बेस्ड जो सर्विसेज हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निर्धारण करेंगे। देखिए सप्लाई ऑफ सर्विस यानी सेवाओं की आपूर्ति है, इधर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस यानी कि सेवाओं की आपूर्ति का स्थान क्या होगा। इसमें देखिए पहला है रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज, दूसरा है पर्सनल ग्रूमिंग। रेस्टोरेंट आप जानते हैं जलपान ग्रीव कैटरिंग सर्विसेज है, जो शादी विवाह में तरह तरह की सेवाएँ देते हैं उसको कैटरिंग सर्विसेज बोलते हैं। पर्सनल ग्रूमिंग है यानी अपने जो व्यक्तिगत संवरने के लिए, संवरना इसका होता है हिंदी, यानी कि अपने जो अपने हेल्थ के सुधार के लिए या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपने में, उसको ग्रूमिंग बोलते हैं, पर्सनल ग्रूमिंग। फिर फिटनेस है, फिटनेस की ट्रेनिंग है, फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट है, फिर आपका है हेल्थ सर्विसेज सच एज कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये ब्यूटी पर्पज से होना चाहिए, तभी अगर ब्यूटी पर्पज से नहीं, हेल्थ से रिलेटेड है, तो वो जीएसटी में टैक्स नहीं लगता, वो एग्जम्प्ट है। रिसिपियंट कोई भी पर्सन इस सब सर्विस के लिए हो सकता है, कोई भी पर्सन हो। तो लोके प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का क्या होगा, लोकेशन वेयर दिस सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। एक सर्विस प्रोवाइडर होगा और फिर लोकेशन क्या हो जाएगा, जहाँ सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो लोकेशन जहाँ सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, उस हिसाब से आपका प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा। अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल है, पहला देखिए रेस्टोरेंट किस केस में है, ताज होटल इन वाराणसी उत्तर प्रदेश, यानी ताज वाराणसी उत्तर प्रदेश में ताज होटल है, ये कैटरिंग सर्विसेज दे रहा है अन्नपूर्णा लिमिटेड रजिस्टर्ड इन बिहार, बिहार में है अन्नपूर्णा लिमिटेड, उनको कैटरिंग सर्विस दे रहा है कि किसमें, एनुअल सर्विसेज इवेंट इन पटना, पटना में ही, पटना भी बिहार में ही पड़ता है, उसकी राजधानी है। तो सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा, कैटरिंग है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, बिहार, क्योंकि पटना बिहार में पड़ता है। इसमें देखिए IGST लग गया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ताज होटल उत्तर प्रदेश में, ये दूसरे राज्य बिहार में ये सेवाएं दे रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए पर्सनल ग्रूमिंग का है, विजय चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दिल्ली के हैं, इनको एडवाइस किया गया है कि ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लें, हरि ओम आयुर्वेदिक सेंटर देहरादून उत्तराखंड में, ये देखिए दूसरा राज्य है, लेकिन ये गए अब ट्रीटमेंट लेंगे, एडवाइस किया गया है, ये मान लीजिए ट्रीटमेंट लेने गए हैं वहाँ पे आयुर्वेदिक सेंटर में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, आयुर्वेदिक सेंटर यानी उत्तराखंड देहरादून, वहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। और सर्विस प्रोवाइडर कौन है, वो भी देहरादून में ही है, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, ये देहरादून उत्तराखंड हम बताए ही हैं, तो GST क्या लगेगा, CGST और SGST लगेगा, क्योंकि उसी राज्य की बात हो रही है। अगला देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर ट्रेनिंग, इसमें ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल है, ये है, तो इसमें ट्रेनिंग और ट्रेनिंग से संबंधित और परफॉर्मेंस से की से संबंधित सेवाएं दी जा रही है। तो रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है और दूसरा रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन, दो केस बनते हैं इसमें, रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब जो GST में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, जो जो तो उसका लोकेशन जो होगा जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया गया, वो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन कहाँ का देखेंगे, जहाँ सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, यानी सर्विस जहाँ पे एक्चुअली में दी जा रही है उसके लोकेशन को हम देखेंगे, जहाँ सर्विस दी जाएगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी सर्विस की। इसको एग्जाम्पल देखिए ट्रेनिंग का केस है, कल्याण इंडस्ट्रीज लिमिटेड चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, हायर फर्स्ट एंड बेस्ट कंसल्टेंसी मुंबई, ये एक कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है, मुंबई का है, टू इम्पार्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग टू इट्स एम्प्लॉयज, यानी अपने एम्प्लॉयज को कंप्यूटर ट्रेनिंग देने के लिए वो कह रहा है। ट्रेनिंग कहाँ होगी, देखिए मुंबई में, सर्विस प्रोवाइडर कहाँ है, मुंबई में, तो यहाँ क्या लग जाएगा, देखिए
ये चंडीगढ़ है, ट्रेनिंग दी जा रही है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, चंडीगढ़। सीन द रिसिपियंट इज ए रजिस्टर्ड पर्सन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये एक रजिस्टर्ड पर्सन के केस का है। अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस का होता तो IGST लग कर CGST और SGST लगता, क्योंकि अनरजिस्टर्ड के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो सर्विस जहाँ देते हैं वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है, और ये रजिस्टर्ड पर्सन है, कल्याण इंडस्ट्री लिमिटेड लिमिटेड है, ये रजिस्टर्ड पर्सन है, तो एक स्थान चंडीगढ़ हो गया और वो सर्विस दे रहा है मुंबई यानी महाराष्ट्र में, ये दो स्टेट हो गए, इसलिए यहाँ पे IGST लगेगा, क्योंकि यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया, ये जो लिखा हुआ है नीचे महाराष्ट्र रिसिपियंट चंडीगढ़ में है। इसी कल्याण स्टील लिमिटेड चंडीगढ़ के हैं, इन्होंने ये रजिस्टर्ड पर्सन है, इससे कंसल्टेंसी सर्विस वगैरह ले रहे हैं और सर्विस यहीं प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन है इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई कल्याण इंडस्ट्री लिमिटेड ही होंगे, चंडीगढ़ ही होगा, इसलिए यहाँ पे IGST लगेगा। अब देखिए अनरजिस्टर्ड पर्सन का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, मिस अनीता है, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वाराणसी की हैं, साइंस ऑफ सर्व विथ सर्व कंसल्टेंसी, ये मुंबई है सर्व कंसल्टेंसी, फॉर ए ट्रेनिंग ऑन पब्लिक स्पीकिंग, बोलने के लिए पब्लिक प्लेस पे बोलने के लिए एक ट्रेनिंग ले रही हैं, सी अटेंड्स दी ट्रेनिंग इन मुंबई। अब यहाँ भी देखिए पिछले एग्जाम्पल में भी मुंबई में ही ट्रेनिंग हो रही थी, यहाँ भी मुंबई में ही ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ लेकिन रजिस्टर पर्सन था चंडीगढ़ का, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़ माना गया था, हुआ था एज पर रूल। यहाँ पे क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, महाराष्ट्र, क्योंकि मुंबई मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन है मिस अनीता, इसलिए मिस अनीता वाराणसी की है, सर्विस यहाँ ले रही हैं और ट्रेनिंग प्लेस भी मुंबई में है, तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन होने के कारण ये सर्विस प्रोवाइडर मुंबई का है और सर्विस जहाँ पे दिया जा रहा है वो भी मुंबई में है, इसलिए यहाँ पे CGST और SGST लगा, क्योंकि विद इन स्टेट है ये सर्विस प्रोवाइडिंग, सर्विस जो प्रोवाइड किया जाए विद इन स्टेट है, स्टेट के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर ही। अब देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई इन एनी इवेंट, कोई इवेंट होता है तो उसमें जो सर्विस दी जाती है उसके केस में देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, यानी आपूर्ति का स्थान। पहला देखिए सर्विस टू अ सर्विस ऑफ एडमिशन टू एन इवेंट और एम्यूजमेंट पार्क ऑन एनी अदर प्लेस, यानी कोई पार्क वगैरह हम घूमने जाते हैं जहाँ सर्विस दी जाती है, और उसकी जो सहायक सर्विसेज होती है उसके केस में भी ये अप्लाई होगा। क्या हो जाएगा, लोकेशन वेयर द इवेंट इज हेल्ड और पार्क इज लोकेटेड, जहाँ भी पार्क है या फिर वो कोई कार्यक्रम वगैरह आयोजित किया जा रहा है जिस स्थान पे जिस लोकेशन पे, वो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। दूसरा देखिए सर्विस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेंट सच एज, यानी कल्चरल है, आर्टिस्टिक है, स्पोर्टिंग, ये सब एजुकेशनल, ये सब इवेंट जहाँ हो रहे हैं, इंटरटेनमेंट है, या इसकी कोई सहायक ये है, सहायक सर्विसेस है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है सर्विस, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन हो जाएगा, पिछले केस के तरह, पिछली बार जो रूल बताए थे अभी हम, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी जा रही है तो जहाँ पे वो इवेंट, जहाँ पे वो कार्यक्रम किया जा रहा है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि इवेंट आउटसाइड इंडिया बाहर किया जा रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ द रिसिपियंट, जहाँ का वो रिसिपियंट है, लोकेशन जहाँ है उस रिसिपियंट का, प्राप्तकर्ता सर्विस प्राप्तकर्ता का, उसका वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। इसको एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल पहला देखिए एडमिशन टू एम्यूजमेंट पार्क, मतलब पार्क वगैरह में घूमने जाते हैं, मिस्टर ए हैं कर्नाटक के, बाय एडमिशन टिकट ऑफ ग्रैंड पार्क एम्यूजमेंट पार्क जिसको बोलेंगे कोलकाता, ये है देखिए कर्नाटक के, ये कोलकाता में है, उसका टिकट खरीदते हैं और किससे, सुपर पार्क ऑर्गेनाइजर ये संस्था है, उसके लिए एम्यूजमेंट पार्क का एक टिकट खरीदते हैं। अब देखिए यहाँ सर्विस क्या दी जा रही है, एडमिशन दिया जा रहा है उस पार्क में, एडमिशन करने के अलाउड किया जा रहा है। अब मिस्टर ए क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, वेस्ट बंगाल जहाँ सर्विस दी जा रही है, तो CGST और SGST लगेगा। क्यों, क्योंकि सुपर
पार्क ऑर्गेनाइजर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी पश्चिम बंगाल का है यानी वेस्ट बंगाल का है, और सर्विस भी वहीं पे दी जा रही है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर टू, इवेंट्स मैनेज फॉर रजिस्टर पर्सन, वहाँ अनरजिस्टर्ड पर्सन या रजिस्टर्ड पर्सन है, यहाँ लोकेशन क्या हो जाएगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसका प्लेस जो है वो लोकेशन हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। हार्डली इवेंट मैनेजर इज हायर्ड बाई, इनको हायर किया है किसने, आकाश ये हैं आकाश इलेक्ट्रॉनिक केरल के हैं, इन्होंने किया है और करा एनुअल एक एनुअल सेल इवेंट ऑर्गेनाइज कर दीजिए, ये है एनुअल सेल इवेंट वो भी मुंबई में ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये भी देखिए मुंबई में ऑर्गेनाइज हो रहा है और ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस वो भी मुंबई में है, लेकिन फिर भी आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, क्यों आकाश इलेक्ट्रॉनिक केरला में हो जाएगा, क्योंकि ये रजिस्टर्ड पर्सन है और इस केस में IGST लगेगा, IGST। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इवेंट्स मैनेज फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये है देखिए ग्रैंड इवेंट मैनेजर्स मुंबई इज हायर्ड बाय मिस आंचल बेस्ड इन लिव्स इन कह सकते हैं बेस्ड इन नहीं लिव्स इन वाराणसी, यानी मिस आंचल जो वाराणसी में रहती हैं, टू मैनेज हर सिस्टर्स वेडिंग हेल्ड इन मुंबई, यानी अपने सिस्टर की शादी के इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए मुंबई में इन्होंने हायर किया है ग्रैंड इवेंट मैनेजर को। तो सप्लाई ऑफ सर्विस क्या हो जाएगी, इवेंट मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, मुंबई, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ये लिखा हुआ सिंस द रिसिपियंट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन लोकेशन ऑफ इवेंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, इस केस में प्लेस सर्विस प्रोवाइडर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों मुंबई में हो जा रहा है यानी महाराष्ट्र में हो रहा है, तो उस तो CGST और IGST, CGST और SGST लग जाएगा, वही चीज़ है ये तो दूसरे स्टेट की हैं, लेकिन जहाँ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है ये भी मुंबई है और सर्विस प्रोवाइडर भी मुंबई का है, इसलिए विद इन स्टेट हो गया, तो इंट्रा स्टेट जिसको बोलते हैं सप्लाई, तो CGST और SGST लगेगा। नेक्स्ट देखिए इवेंट मैनेज आउटसाइड इंडिया फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, एक रजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन उसका आउटसाइड इंडिया उसको मैनेज किया जा रहा है, तो ग्रैंड जो ग्रैंड मैनेजर इनको हायर किया गया है किसके द्वारा, विकास इलेक्ट्रॉनिक द्वारा, ये उत्तराखंड के हैं ये मुंबई के हैं, तो ये एक एनुअल बिजनेस कोलेब्रेशन इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, ये देखिए स्विट्जरलैंड में, अब ये देखिए इवेंट मैनेजमेंट सर्विस हुआ ये, लेकिन ये इंडिया के बाहर हो जा रहा है, तो उत्तराखंड में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि सिंस द रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है उत्तराखंड के, तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ हो जाएगा कहीं भी ऑर्गेनाइज होता हो, तो इस केस में IGST लग जाएगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इवेंट मैनेज आउटसाइड इंडिया फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो रजिस्टर्ड पर्सन के था ये अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए, यानी सुपर इवेंट मैनेजर्स को हायर किया गया है मिस सोनी द्वारा जो दिल्ली की हैं बेस्ड इन लिव्स इन दिल्ली, टू मैनेज द सिस्टर्स वेडिंग हेल्ड इन न्यूयॉर्क, अपने सिस्टर की शादी के लिए वो जो प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो कि न्यूयॉर्क में हो रहा है, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में, इंडिया के बाहर है, तो इसमें अब दोनों के केस में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के दोनों के केस में ही ये बाहर ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, लेकिन उसको मानेंगे क्या, लोकेशन जहाँ पे लोकेशन ऑफ द इवेंट, इसके इसके पहले वाले केस में था लोकेशन ऑफ द सर्विस सर्विस रिसिपिएंट जो रजिस्टर्ड पर्सन का जिसने सर्विस ली थी उसके केस में था, यहाँ इवेंट का जो लोकेशन होगा उसका, तो इवेंट आउटसाइड इंडिया है तो लेकिन लोकेशन सॉरी रिसिपिएंट का आउटसाइड इंडिया के केस में जो होता है तो रिसिपिएंट का जो प्लेस होता है लोकेशन होता है ये दिल्ली, वो हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, तो ये मुंबई के हैं और ये दिल्ली के हैं, दो अलग अलग स्टेट के हो गए, तो ये IGST लगेगा। आई होप आप सबको ये सब एग्जाम्पल समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू ऑल।